माताओं एवं सज्जनों, परमात्मा देव का अपने गुरु महाराज का अपने बाबा का ये नौकर आप सबके श्री चरणों में बहुबार प्रणाम अर्ज करता है। इस दासानुदास की कोटिशय वंदना स्वीकार कीजिएगा। मेरे मित्र, मेरे सैनिक भाई यहां बैठे हैं, उनके परिवार भी बैठे हुए हैं। मेरा उन सबके हृदय में बड़ा प्रगाढ़ सत्कार है। मैं उन सबको विशेषतया प्रणाम अर्ज करता हूं। मेरा बहुबार प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरी आत्माओं, मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। अभी जिस पुस्तिका का आपने अध्ययन किया है, श्री अमृतवाणी स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रची हुई ये लघु पुस्तिका, इसमें राम नाम की महिमा आपने अभी सुनी है, पढ़ी है। यदि ये पुस्तक आपको अच्छी लगी हो तो मेरा निवेदन है आप सबसे, यदि आप इस पुस्तक को रोज पढ़ने का वायदा करते हैं तो आप इसे अपने पास रख लीजिएगा, इसे वापस ना लौटाइएगा। पर शर्त इतनी ही है, स्वामी जी महाराज ये सिद्ध ग्रंथ उसी को दिया करते जो ये वायदा करता कि वह रोज इसका अध्ययन करेगा। 15-20 मिनट रोज लगते हैं, इससे अधिक नहीं। यदि आप वायदा करते हैं मन ही मन में तो ये पुस्तक आप अपने पास ही रख लीजिएगा, हमें नहीं लौटाइएगा। स्वामी जी महाराज इस पुस्तक के लिए फरमाते हैं, ये सिद्ध ग्रंथ है, अवतरित ग्रंथ है, ये किसी पुरुष की रचना नहीं है। इसका स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति संसार की दौड़ से कभी पीछे नहीं रहेगा, उसकी विघ्न बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी। प्रत्यक्ष प्रमाणित चीजें हैं ये। आपसे भी मेरी करबद्ध विनती है, आप भी इसे पढ़ के देखिएगा। 2-3 वर्ष पहले मुझे 19 पंजाब में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कर्नल देवेंद्र थे वहां पर सीओ उस वक्त, वे पंजाब के रहने वाले, यहीं से उन्होंने राम नाम का मंत्र जिसे दीक्षा कहा जाता है, दोनों पति पत्नी ने दीक्षा ली थी। उसके बाद जैसे ही वे सिक्किम में गए तो उन्होंने मुझे बुलाया वहां पर।
दो बार एक ही वर्ष में मैं गया। इसलिए भक्तजनों, मैं आपके जीवन से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। परमेश्वर की अथाह कृपा है आपके ऊपर, आपका जीवन बड़ा स्वच्छ बड़ा निर्मल है। आपने यस सर के अतिरिक्त कुछ कहना सीखा ही नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी कुछ काम करने वाले सैनिक मिलते थे जो मेरी देखभाल किया करते थे। मुझे भी वो जैसे अपने सीओ साहब को कहते, जेसीओ साहब को कहते, वैसे ही वे मुझे भी कहा करते, यस सर यस सर यस सर। परम सौभाग्य की बात है भक्तजनों, ऐसा बनना बड़ी कठिन बात है। हर बात के लिए कहीं नो सर तो आपने सीखा ही नहीं है। हर काम के लिए आप यस सर ही कहते हैं, यस सर ही कहते हैं। बड़ा निर्मल एवं स्वच्छ जीवन है आपका। दो बार की मेरी यात्रा ने जितने भी 19 पंजाब बटालियन में लोग थे, सीओ साहब से लेके नीचे तक, मंदिर के पंडित तक, सबने ये मंत्र ले लिया। मुझे लगा कि यहां पर सीओ साहब की चलती होगी, उन्होंने हुक्म किया होगा सब लोग मंत्र दीक्षा ले लो, तो वह बेचारे ना नहीं कर सके इसलिए मंत्र दीक्षा ले ली होगी। इसके बाद मैंने कुछ जवानों को पूछा, कुछ ऑफिसर्स को भी पूछा, क्योंकि सभी ने पहली बार दीक्षा नहीं ली, कुछ ऑफिसर थे उन्होंने दीक्षा नहीं ली। तो इसका अर्थ मैं समझ गया कि ये सीओ साहब का ऑर्डर नहीं है, कि इनको स्वयं को अच्छा लगा होगा राम मंत्र और हमारी साधना पद्धति स्वामी जी महाराज की, जिसके कारण इनको प्रेरणा मिली होगी कि राम मंत्र ले लेना चाहिए। बड़ी सरल साधना है ये। मानो एक सिपाही पीसीपी पर खड़ा है, एक सिपाही की ड्यूटी गेट पर है, तो वह लौकिक कमाई तो कर रहा है, इसके साथ ही साथ यदि वह मुख से राम राम जपता रहता है तो वह परलोक की कमाई भी कर रहा है। स्वामी जी महाराज की साधना यही है। मंत्र भी हमारा राम ही है, ये राम भगवान का नाम भी है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है, जिसके कारण हम जीवित हैं वह राम है। जो वेदों का प्रणव है, जो वेदों का ओम है, वह राम है। उसी को स्वामी जी महाराज ने राम करके संबोधित किया है। जो हमारे रोम रोम में रमता है, जिसमें हम सब रमते हैं, जो सारे संसार में रमता है, वह राम। जिसका नाम लेने से आदमी को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, वह राम। उस राम नाम की आराधना, यही भगवान का नाम है, यही उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है, जिसके कारण पत्ता भी नहीं हिलता, जिसके कारण कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता, वह राम। यही भगवान का नाम भी है और यही हमारा मंत्र भी है। उन्हें बहुत सरल लगा होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, अपना काम काज करते हुए झाड़ू पोछा लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, मानो आप फ्रंट पर गए हुए हो, एक्सरसाइज पर गए हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो वह सब कुछ करते रहो, पर अपने मुख से राम 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 उच्चारण करते रहे हो। ये बात शायद उनको बहुत अच्छी लगी, इसलिए सारी की सारी बटालियन 19 पंजाब, पंजाब से हिमाचल प्रदेश से हरियाणा से जितने भी लोग थे, क्या सिख हैं क्या हिंदू हैं, सबने ये राम मंत्र ले लिया। इसके बाद उनको भक्तजनों क्या क्या अनुभूतियां हुई हैं, ये तो राम नाम की महिमा है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, कितनी आसान है ये साधना और कितनी आसान है ये दीक्षा पद्धति हमारी। एक प्रसिद्ध डाकू थे, कहीं से बड़ी भारी डकैती करके निकले, पुलिस पीछे दौड़ रही है, उससे बच के ये आगे आगे बड़ी तेज भाग रहे हैं, पसीनो पसीन हो गए हैं, थक गए हैं। उस रात बेचारे को खाना भी कहीं से नहीं मिला, प्यास भी लगी हुई है, पसीना भी निकल रहा है, तो छिपते छिपते किसी जंगल में चले गए। जंगल में जाके कहीं मूर्छा खा के गिर गए,
आधी रात का समय होगा, घंटा दो घंटे आंख लग गई। जैसे ही आंख खुली, प्यास लगी हुई थी, भूख भी लगी हुई थी, कहीं आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया, दूर एक टिमटिमाता हुआ दीपक कहीं दिखाई दिया। उसकी सीध में ये डाकू चला गया है। जाके क्या देखता है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, ब्रह्म बेला हो गई है, 3-4 बजे का समय हो गया होगा, लेकिन अंधकार है। वहां एक कुटिया है, दीपक जल रहा है और उसके पास एक महात्मा बैठे हुए ध्यानस्थ मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। दुबले पतले हैं पर चेहरा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ा नूरी चेहरा है, लाल लाल चेहरा है, चमकता हुआ चेहरा है। इस डाकू ने उनके चरणों पर प्रणाम किया, बिना देखे हुए बिना पहचाने हुए, कौन है मेरे चरणों पर इस वक्त। संतों महात्माओं का तो स्वभाव होता है सबसे लाड प्यार करना, सबसे लाड प्यार करना, सबको देना ही देना। उन्होंने किसी से रुष्ट होना सीखा ही नहीं है, वे किसी पर क्रोधित नहीं होते, किसी से रुष्ट नहीं होते। हाँ, समझाने की चेष्टा जरूर करते हैं। इस व्यक्ति को ना देखे हुए ना पहचाने हुए, इसके सिर पर आंख बंद किए हुए ही उन्होंने सिर पर हाथ फेरना आरंभ कर दिया। दोनों हाथ इस डाकू के सिर पर है। ये श्रीमान महात्मा के स्नेह से बड़े प्रभावित हुए। बड़ा अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति, एक देव इंसान, महात्मा, संत महात्मा मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है, मानो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। बहुत अच्छा लगा। महात्मा ने पूछा, क्या चाहते हो? बड़ी हिम्मत करके कहा, महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। महात्मा ने तत्काल उत्तर दिया, आपका हार्दिक स्वागत है। यह और अधिक प्रभावित हुआ। कमाल है, इस व्यक्ति ने यह भी नहीं जानना चाहा कि मैं कितना बड़ा डाकू हूं, मैं कितना बड़ा हत्यारा हूं, मैंने क्या जिंदगी में क्या क्या दुष्कर्म नहीं किए हुए, कौन सा ऐसा दुर्गुण है जो मेरे अंदर नहीं है। इस व्यक्ति ने यह सब कुछ पूछने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, और मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है और मुझे शिष्य बनाने के लिए तैयार है। महाराज, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूं? बताओ कौन हो? मैं एक प्रसिद्ध डाकू हूं, महात्मा कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज, मैं शराब भी पीता हूं, मैं मांस भी खाता हूं, मैं व्यभिचारी भी हूं, मैंने अनेक निरपराधी हत्यारों हत्या की हुई है, निरपराधी लोगों की, निस्सहाय लोगों की हत्या करी हुई है। महात्मा कहते हैं, बेटा इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस परमात्मा देव ने तुम्हें पैदा किया हुआ है, उस परमात्मा देव ने ये सब कुछ जानते हुए आज तक तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। इसका अर्थ ये है, यदि उसने आपको आज तक स्वीकार किया हुआ है तो मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं कैसे करूं आपको अस्वीकार? मैं भी आपको स्वीकार करता हूं। आप मेरा शिष्य बनना चाहते हो, आपका हार्दिक स्वागत, बनिएगा। एक बात याद रखना बेटा, मैं अभी आपको राम मंत्र देता हूं। राम मंत्र लेने के बाद एक बात याद रखना, अभी राम राम जपते हुए यहां से निकलोगे आप, आज के बाद जिस समय भी कोई अपराध करने लगो, जिस समय भी कोई पाप करने लगो, उस वक्त राम राम जपते हुए मुझे भी याद कर लेना। ये गुरु महाराज ने उपदेश दिया, मुझे भी याद कर लेना। बेटा मेरी याद आएगी तो मेरे राम की याद भी आएगी, और राम की याद आएगी जिस वक्त तो आपको लगेगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं मेरा राम देख रहा है। इस भावना से राम राम भी जपते रहना, और जो कुछ होता है वह होने दो। प्रणाम करके गुरुमंत्र राम राम लेके वह डाकू चल पड़ा है, घर पहुंच गया है। घर पहुंचने के बाद अनेक दिनों तक कई सारे अपराध पाप करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं रहे। कुछ ही दिनों के बाद लौट आया है, आके महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा। महाराज ये क्या आपने कर दिया है, लाख कोशिश करने पर भी मेरे से अपराध नहीं हो रहा। जानते हो मैं दिन में कितनी बार शराब पिया करता था, आज मुझे कितने दिन हो गए हैं शराब को मैं हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाता हूं तो झट मुझे लगता है कि आप मुझे देख रहे हो, मेरे परमात्मा जिसका मंत्र मैं जप रहा हूं वह मुझे देख रहा है और वह मुझे रोक रहा है, मैं शराब नहीं पी पाता।
इतने दिन हो गए हैं मुझे शराब पिए हुए महाराज, भक्तजनों वह डाकू कौन था मैं नहीं जानता, ये कहानी क्या है ये मैं नहीं जानता। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते Thank you.